नमस्कार, सर्वधर्म संगम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ श्रीखा त्यागी। सावन का महीना, खुशनुमा मौसम और उसमें रिमझिम बारिश के बीच आता है महिलाओं का विशेष पर्व हरियाली तीज। दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना विशेष कार्यक्रम हरियाली तीज। हर्षोल्लास का ये त्योहार श्रद्धा, भक्ति, उमंग, प्रेम और प्रकृति का प्रतीक है। हरियाली तीज को देश के अनेक राज्यों में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही विदेशों में भी रह रहे भारतीय भी इस पर्व को परंपरागत रीति रिवाजों के साथ पालन करते हुए खुशी के साथ मनाते हैं। त्योहार या उत्सव को मनाने के पीछे मानवीय भावनाओं के साथ साथ पारंपरिक संस्कृति और प्राकृतिक कारणों का भी बड़ा महत्व होता है। क्योंकि प्रकृति मनुष्य को जीवन देती है, जल, नभ और थल मिलकर उसके जीवन को सुंदर बनाते हैं और जीवन यापन के अनगिनत स्रोत उसे उपलब्ध करवाते हैं। इसे विश्वास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है प्रकृति से जुड़ा हरियाली तीज का ये त्योहार। आए आती है आज सावन मना रहे हैं। सावन एक महीना है जेड़ा कि देसी महीने दे विच आउंदा। सौन दा महीना खास एक अपनी महत्ता रखता है सारे पंजाब के सभ्याचार दे विच, क्योंकि इस महीने दे विच जिहड़ियां कुड़ियां होंदियां सहुरे ब्याहियां होंदियां उहदा पेके आके ते महीना एक पेके नच गा के इहनूं मनाउंदियां ने, सैलीब्रेट करदियां, और यहाँ से उन्हें ढेर सारे उपहार दिए जाते हैं जिसे तीज का शगुन या सिंदारा कहा जाता है। इसी तरह जिस युवती का विवाह तय हो गया होता है उसे उसके ससुराल से ये सिंदारा भेजा जाता है। पूजन के बाद महिलाएं मिलकर शिव गौरी के सुखद वैवाहिक जीवन से जुड़े लोक गीत गाती हैं। इन लोक गीतों की मिठास समूची प्रकृति में घुली हुई सी महसूस होती है। इसके साथ ही आनंद लिया जाता है सावन के झूलों का भी। झूलों पर ऊंची ऊंची पेंग लेती महिलाओं का उत्साह देखते ही बनता है। मेहंदी भरे हाथों की खनक तथा सुमधुर ध्वनि के साथ छनकती चूड़ियां माहौल को संगीत में बना देती है। सावन का महीना जिहड़ा हैगा ये सौन दे तीज नूं जिहड़ा मनाया जांदा वै, इन्हां नूं तीयां भी कहा जांदा वै। तो असी जिहड़ा वै अपने स्कूल दे वी जिहड़ा वै तीयां जिहड़ियां ने अज बच्चियां दे नाल मिल के जिहड़ा मना रहे हां, क्योंकि असी आम देखिया कि साडा विरसा जिहड़ा वै साडे को दूर जा रहा वै। असी कोशिश कर रहे हैं कि विरसा जिहड़ा साडे उत्थों जिहड़ा वै ये फिसले ना, असी उस नूं वध तों वध जिहड़ा संभाल के रखना चाहुंदे हां। सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना से मनाई जाने वाली तीन तीजों में से एक है हरियाली तीज। प्रकृति के सुंदर वरदानों के लिए उसका शुक्रिया अदा करने का भी उत्सव बन जाती है। उमा की अर्चना के लिए मंत्रों का प्रयोग करें। दूसरे दिन भोर में मूर्ति विसर्जन के साथ पूजा संपन्न करें। अन्न जल ग्रहण करके व्रत तोड़ें। ये व्रत केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं होता बल्कि कई जगहों पर पुरुष माँ की प्रतिमा को पालकी पर बिठाकर झांकी भी निकालते हैं। खास तौर से राजस्थान के शहरों में बड़ी धूमधाम से घोड़ा रूपी सजकर नाचते गाते, ढोल नगाड़े बजाते, हाथियों को सजाकर उन पर सवार होकर जुलूस के रूप में पूरे शहर में घुमाते हुए बहुत ही हर्षोल्लास के साथ खुशियाँ मनाकर इस उत्सव को मनाया जाता है।
सावन के मौसम में पेड़ों से टपकती बारिश की रिमझिम बूंदें जब घर आंगन में गिरती हैं, तो अपने साथ लेकर आती हैं ढेरों खुशियों की बौछारें। उत्सव के देश भारत में हर एक उत्सव को महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हरियाली तीज खुशी की सौगात के साथ साथ प्रकृति को बचाने का भी संदेश लेकर आती है। इसी पुनित संदेश के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।